फैक्ट्री को कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान चल रहा है अभी। जो जैसा किसान लोगों का डिमांड भी है सब तरफ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ 35 गांवों के नज़दीक 15 किलोमीटर के इसमें 5 लाख टन गन्ना है। हमारे को लगता है डेली का 1,000, उसीलिए रेल रिपोर्ट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। बीदर डिस्ट्रिक्ट के बरूर गांव में भवानी शुगर फैक्ट्री जो 3 महीने पहले दोबारा चालू हुई है, इससे अतराफ गांव में रहने वाले किसान जो गन्ने की खेती कर रहे हैं काफी खुश, क्योंकि किसानों को फैक्ट्री में गन्ना देने पर सही कीमत और वक्त पे पैसों की अदायगी भी हो रही है। फैक्ट्री के मालिक ने रेल रिपोर्ट फॉर न्यूज से बात करते हुए कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस प्लांट को डबल कर दिया जाएगा और इससे रोजगार में भी इजाफा होगा, नए मजदूर काम पर लिए जाएंगे। इन्होंने काश्तकारी के लिए किसानों को बीज भी देने का वादा किया और ये किसानों के लिए बहुत ही हमदर्द भी हैं और कहा कि इस फैक्ट्री की आमदनी के साथ साथ किसान लोग हमेशा खुश रहे। चालू हो गए हमारे ओनर चला रहे, तब से जो आना गन्ना भी सही आ रहा है, उनका पुराना पेमेंट भी जो सीखा है अभी जो नया पेमेंट भी करेक्ट टाइम पर कर रहे हैं और उनका पुराना पेमेंट जो भी था परसों 10 तारीख तक भी पेमेंट किया उनका, और जो ना गन्ना आजू बाजू का जो भी लोकल का गन्ना है यहाँ पे आ रहा था। मनेली से आता, चित्तलगिरी से आता है, गनापुर से आता, धर्मपुर से, और जो ना भरूच से आता, इधर जो ना हमारे तेलंगाना का है वहाँ से भी आता है। अभी वो तो रेट के बारे में मेरे को नहीं मालूम था, मैं यहाँ कैनल का शुक्रगुजार हूँ, वो रेट के बारे में जाते हैं जो तो पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं है साहब, पैसा तो सब रेटों को दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पुराने भी दे देते हैं, कोई पैसों का टेंशन का भी किसान कोई टेंशन नहीं ना, नौकरों का टेंशन है ना, शास्त्रों का टेंशन है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत भारी चला। मेरा नाम माणिक है सर, कैनल शुक्रगुजार बरूर मेरा गाँव। कैसा ना भाई आपका? हाँ सर। अभी आप यहाँ पे किस लिए आए? मैं गन्ने का पैसे क्या सर, यहाँ पे गन्ना डालते हैं फैक्ट्री में? मैं स्टार्टिंग से डाल रहा हूँ साहब, आप गन्ना जब से फैक्ट्री रिस्टार्ट हो जब से डाल रहा हूँ गन्ना, आपका पेमेंट बराबर टाइम कंटिन्यू बराबर है सर डेली। तो इस फैक्ट्री में जितने भी किसान गन्ना डालते हैं खुश है सभी? आपके साल में तो खुश है सब पूरे, गए साल का पुराना पूरा पेमेंट दे दिया उन्होंने, अब उनका कोई गलती नहीं। आप उन्होंने दूसरे वाले बोले तो कुछ फर्क नहीं गिरता। कितने गांव के किसान यहाँ पे डालते हैं? बहुत गांव वाले हैं सब, एक 20-25 गांव वाले हैं पूरे। गांव के नाम बताइए। बरूर और बुछनेली, बुर्दीपाड़, मिर्जापुर, बसंतपुर, कलबेम्बल, मेटल कुंटा, नागोरा, यानी जितने भी किसान यहाँ पे गन्ने डालते हैं उनको बराबर टाइम पे पैसा मिला? टाइम पे पैसा मिला सब, आप साल तो किसान को कोई हरासमेंट नहीं? कोई हरासमेंट नहीं। अब तो अब भी किसान है? हाँ सब किसान है। वेंकट रेड्डी है, फैक्ट्री का MD हूँ मैं, और मेरा बहन चेयरमैन है यहाँ का, और मेरा मिसेस उप चेयरमैन है। श्री भवानी शुगर बरूर और बीदर डिस्ट्रिक्ट है। अभी फैक्ट्री रिस्टार्ट कब हुआ? जनवरी 2 तारीख को हुआ। हाँ गन्ना डाल रहे हैं अभी तक, तो अपने घर 35,000 मेट्रिक टन क्रैशिंग हुआ है, तो अभी तक हम पेमेंट भी 26,000 टन का कर दिए हैं, जब का जब पेमेंट कर रहे हैं। अभी क्या रेट से ले रहे हैं? अभी गन्ना हम 2,000 के हिसाब से ले रहे हैं। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट ही ले रहे हैं, बराबर पैसे ले रहे हैं। कितने गांव के किसान यहाँ पे डालते हैं? यहाँ 35 गांव के किसान डालते हैं। खुल गया है सर, अब उनके लिए अपन सहायता के लिए आए हैं। पहले भी मैं लीज पे चलाया था 2 साल के नीचे, 2016-17 में 2 सीजन में चलाया था, जब पूरा भी जब भी पहले का बाकी था वो भी दे दिया हमने। अभी 18-19 में दूसरे जने चलाए थे, उनका भी बाकी था 1,30,00,000, वो भी चेक कर दिया हूँ। हाँ अभी आधा कर दिया, पूरा क्लियर। अभी जो नए डाल रहे 3-4 महीने से किसान, उनका तो कुछ बैलेंस? अभी 2 महीने से डाल रहे हैं, अभी 2 महीने से डाल रहे हैं, अभी तक 35,000 क्रैशिंग हुआ है, उसमें 26,000 का पेमेंट पहुँच गया है।
अभी आपने कहा 9,000 का पेमेंट देना, वो तो रेगुलर 15 दिन को हम देते जाते हैं। एक बार जब किसान यहाँ पे जमा होते कितने दिनों के बाद पैसे मिलते हैं उनको? जैसा है वैसा दे रहे हैं, अभी एक दो दिन में भी उनका फ्लैट का खाली होते दे रहे हैं, मैक्सिमम 15 दिन तो मिल जाएंगे। फैक्ट्री को कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान चल रहा है अभी, जो जैसा किसान लोगों का डिमांड भी है सब तरफ थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ 35 गांवों के नज़दीक 15 किलोमीटर के इसमें 5 लाख टन गन्ना है, हमारे को लगता है डेली का 1,000, इसलिए थोड़ा 3,000 का 3,500 करने का प्लान चल रहा है। आपको फायदा होगा? हाँ, रैत लोगों को फायदा के लिए कर रहे हैं, अपने को तो फायदा ही वो देता है, ऊपर वाला कैसा दिया वैसा आपका निभाएंगे। हमारे को रैत के लिए हम कभी भी आधी रात को खड़े रहे। प्लांट अभी फिलहाल तो इसको 1,000 का है, इसको 2,000 करने के प्लान में हूँ। उसके बाद बाद में एक अपना 25 एकड़ खेत है यहाँ पे, वहाँ पे 3,500 का डालने के प्लान में हूँ। जैसा जैसा गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करेंगे ना, वैसे अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे फैक्ट्री में जो वर्कर काम करने होंगे लगेगा? हाँ, वर्कर तो है अभी फिलहाल, तो नया प्लांट रहेगा तो नए वर्कर लगेंगे। नए वर्कर लगेंगे, हाँ उनको भी एम्प्लॉयमेंट खोल सकते हैं, लोगों को सहायता हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी अपन सेंट्रल को कर सकते हैं कि जब पार्टी का कुछ ये हाँ पापड़ी फैक्ट्री में वो लोगों का चलता है, यहाँ कोई पार्टी का कोई लेना का देना कुछ भी नहीं, हम राइट लोगों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा को क्या राइट बोलो तो इमेज जैसा है मेरे को, मेरा शुगर बिजनेस है पहले से, मैं 20 साल से शुगर बिजनेस करता हूँ। अभी मेरे को एक लोकल का गुजरता हूँ, तो वही हिसाब से गन्ने के लिए लोगों को पहले से सहायता था, लोगों 2 साल में जब 20 पे चला आया था तब लोग अप्रोच करने से, ये साल अक्टूबर 19 तारीख को फैक्ट्री में परचेज किया हूँ। पहले बंटेपुर काशमपुर का फैक्ट्री था, उनसे परचेज करके अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों का सहायता चाहिए, रहे लोगों का, एम्प्लॉय लोगों का, हर एक लोगों का सहायता चाहिए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना मेरे लिए, तो वही हिसाब से अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब से चला रहे हैं लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा वैसा तो अनिशा दिशा चलता है, कोई रहे तो पूरे अच्छे हैं यहाँ से, कोई खराब बोल के बोल नहीं सकते, रहे तो बेचारा बच्चे को पाले जैसा नॉर्मल।